देखते हैं। फिलहाल तो मुराद आपका नंबर था बस का, अगर मिल जाएगी, नसीब सही होगा तो ज़रूर मिल। परफेक्ट समय पाया हूँ, ऐसी जल्दी जल्दी मिलते रहे मेट्रो। हाँ पर कपिल शर्मा शो सुबह नहीं भाई, दोपहर होने के लिए जा रही है। और आज हम निकलने वाले हैं अपने मुरादाबाद के लिए। तो यहाँ पर हमारा व्लॉग देखा जा रहा था, ये वाला व्लॉग मैंने अभी अपलोड करा है। फाइनली न्यू लैपटॉप ले लिया है। हमारे सुहेल भाई यहाँ पर सो के उठे हैं, गुलजार भाई भी अभी सो के उठे हैं। तो फिलहाल तो अभी खाने का सीन होने वाला है। जितना हमारे पास कैमरे की रिकॉर्डिंग है, वो कैमरा है। कैमरे की रिकॉर्डिंग नहीं भाई, कम से कम उठ गए थे 10:30 के करीब उठ गए थे। 11 बजे तो खैर उठा नहीं था। अभी प्लानिंग हो रही है मुरादाबाद जाने की वापसी, तो अभी खाना वाना खाते हैं। भाई देख रहे हो कितनी तेज वाली धूप हो रही है फिलहाल अभी। तो ये हमारा बैग लेकर आ गए, फिलहाल तो बैग वगैरह पैक कर लिया है। बस जल्दी से अब खाना वाना खाने के बाद रवाना होते हैं अपने मुरादाबाद शहर के लिए, क्योंकि काफी लोग इंतजार देख रहे हैं। तो फिलहाल तो भैया खाना वगैरह लग चुका है, जल्दी से खाना वाना खाते हैं, उसके बाद मुरादाबाद के लिए रवाना होते हैं। तो फिलहाल तो भैया पैकिंग वगैरह यहाँ पर चल रही है और खाने वगैरह से भी फारिग हो गए हम लोग, बस अब निकलने की देरी है। और वक्त की बात करूँ 3:14 हो गए भाई, अब निकलने की बारी है। सुहेल भाई इधर आ रहे हैं और हम लोग इधर से जा रहे हैं। अभी कालो कल्लो तो यहीं खड़ी है, मगर काले कल्लो से जाएंगे नहीं, क्योंकि मुझे मेट्रो जाना है और यहाँ पे धूप हो रही है ना इसी बना पे। ठीक है बाय, अल्लाह हाफिज़। तो फिलहाल तो आ गए, उन्होंने मेरे को छोड़ दिया है। अब मैंने ई रिक्शा पकड़ लिया है मेट्रो तक जाने के लिए। अब यहाँ से मुझे जाना है मुरादाबाद की बस जो है ओखला की साइड। हम निकले हैं 3:25 पे मेट्रो स्टेशन, ठीक है ना। फिलहाल आ गया मैं मेट्रो स्टेशन, अब मेरे को यहाँ से ले कर लो, ये लैपटॉप भी मेरा हाथ में है, लेके जाऊँगा भाई बस है, क्योंकि आज मुझे लग रहा है लेट ना हो जाऊँगा। जैसे ही 4 बजे करीब यहाँ से 14 या 16 स्टेशन में जाकर कुछ एक्सचेंज करना पड़ेगा, उनसे गुजरना पड़ेगा, जब जाके मुझे बस पे पहुँचना पड़ेगा। ठीक है, सामान है दोनों मेरे हाथ में, पहुँचते हैं ले लिया है। अब मेट्रो पर फाइनली पहुँच गए, मगर मेरे पास सामान थोड़ा ज़्यादा हो रहा है मुझे लग रहा है। देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। मेट्रो भी आई गई, परफेक्ट समय पाया हूँ, बिल्कुल परफेक्ट समय पाया हूँ मैं, बिल्कुल परफेक्ट। बस ऐसी जल्दी जल्दी मिलते रहे मेट्रो, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा स्टेशन चेंज करना पड़ेंगे। अब यहाँ से चेंज करना पड़ेगी मंडी हाउस से ब्लू लाइन। एक सेकंड पहले यार मेट्रो निकल गई, ये बड़ा गंदा छोड़ दिया। तेरी मेट्रो चेंज कर ली मैंने, यह भी निकल गई। 2 मिनट लेट हो गया, अब से 3 लाइन चेंज कर चुका हूँ, ठीक है ना। ये लास्ट लाइन है, ठीक है। तो इंतज़ार देखते हैं अभी। आ तो गई भैया, मगर इंतज़ार दिखा दिया, बहुत से बहुत 30 सेकेंड इंतज़ार देखना पड़ा। हमें ना दूसरी ट्रेन पकड़ना पड़ेगी, क्योंकि वैशाली की ओर जा रही है, हमें आना है गोल्फ फोर्स की साइड चेंज करने के लिए ना। मैं यहाँ पर उतर रहा हूँ, फिर दूसरी गाड़ी आई, फिर देते हैं इसको यहाँ से जाने देते हैं। अब ये जा रही है, अब इसको बाय बाय बोलते हैं। मोहतरमा थी एक बैठी हुई, ये चली गई, एक सामने खड़ी है। मेट्रो के निकलने के बाद ना बहुत गर्मी हो रही है, बहुत ही ज़्यादा। तो अभी जाना है हमें नवाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स की साइड, 1 मिनट में आने वाली है। उधर की साइड में आ गई मेट्रो, ये देखो। अरे इधर हमारी वाली भी आ गई, हमारी वाली और उधर वाली दोनों एक साथ आई हैं। तो हम चलो दोबारा बैठते हैं और गोलपोर्स निकलते हैं यहाँ से। अब इसमें बैठने के बाद ना कोई चेंज नहीं होगी, अब इसमें बैठने के बाद ना कोई चेंज नहीं होगी, क्योंकि जाएगी इधर गोल्ड फोर्ट्स की तरफ, यहाँ से यहाँ पर। देखो ब्रिज बना हुआ चाश्ती वाला, ये नॉर्मल लाइन जा रही है ट्रेन वाली। अरे बस स्टैंड भी है ब्लू वाली, उसका इलेक्ट्रॉनिक वाली बस का स्टेशन आ गया। मेरे साथ सीन बन गया, अभी तो मेट्रो से मैंने एग्जिट ले लिया है गोल्ड फोर्ट मेट्रो स्टेशन,
और मैं जहाँ पर बस बन के चलती है मुरादाबाद की, वो है जगह दूर, तो मैं पहले ही उतर गया। मैंने कहा यहीं से गुजरते भी जाएगी बस, तो मेरे को यहीं से मिल जाएगी, और यहाँ पर कोई स्टॉप भी नहीं है बस का। और मैंने उसको कॉन्टेक्ट करने की कोशिश तो कर रहा हूँ मगर बंदा फ़ोन नहीं उठा रहा है। देखते हैं, फिलहाल तो मुरादाबाद का नंबर था बस का, अगर मिल जाएगी, नसीब सही होगा तो ज़रूर मिलेगी इंशाल्लाह। तुम भी दुआ करो, इंतज़ार देखते हैं बस आने का। ऑरेंज कलर की बस है। अब इंतज़ार देखना पड़ेगा, 2-3 मिनट तो हो गए मुझे इंतज़ार देखते देखते। मस्त मस्त गाड़ी निकल के जा रही हैं, बहुत जास्ती जास्ती। अब यहीं इंतज़ार देखना पड़ रहा मुझे बस का। साथ हो रही है हमारी, चलो अंदर बैठ के मिलते हैं। तो फिलहाल भैया बस से उतर गए हैं और समय की बात कर रहे हैं, 7:09 हो गए हैं। भाई कहीं नहीं रुकी, डायरेक्टली अभी मुरादाबाद के करीब ही हम, एक आधा एक घंटे का सफ़र और बाकी है। मैं पानी पीने की सोच रहा था अगर बस कहीं रुकी नहीं, अब ये वाले ढाबे पे आके रुकी है। तो फ्रेश वगैरह तो हो ही गए हूँ मैं, अभी देखते हैं तो खाना खा पीते हैं, उसके बाद आगे का सीन बनाते हैं क्या रहता है, ठीक है ना। और आई थिंक मेरे पास इस टाइम कैश भी नहीं था, तो मैंने पेमेंट करने की कोशिश तो करी मगर हो नहीं पाया। फिलहाल तो देखते हैं आगे क्या सीन बनता है। अभी ढाबे पर रुकी हुई है और लगभग मुझे लगता है कि 1 घंटा और लगाने वाली है मुरादाबाद पहुँचने तक, ठीक है। पूरा नाश्ता भी नहीं कर पाया, बस स्टार्ट हो गई। अब एक काम करता हूँ, उठा के ले जाऊँ। तो फिलहाल भैया हम आ गए हैं अपने शहर मुरादाबाद के अंदर। अभी बस से आए हैं भैया, लगभग कम से कम 4 घंटे लग गए आने आने में सिर्फ वहाँ से। तो देखते हैं, अभी हम फुआरे की साइड हैं, ई रिक्शा या ऑटो पकड़ना पड़ेगा, ठीक है ना। तो ऑटो पकड़ते हैं। तो फिलहाल भैया अपनी घर की साइट आ गए, मम्मी के रिएक्शन देखते हैं। ओहो काली कल्लो यहाँ खड़ी है, तो किसको नहीं पता मैं यहाँ पर। अस्सलाम वालेकुम, अबे पैसे ना है, अबे ज्यादा मत डाल इतने पैसे ना। तो फिलहाल तो भैया इसकी ओपनिंग ऐसा होती है किसी भी नई चीज की, 1000 से कम नहीं लेंगे। अरे पागल है, इतना लैपटॉप भी नहीं लाया मैं। तो फिलहाल तो भैया घर पे पहुंच गए थे और हमारे लैपटॉप में चल रहा है हमारा ही व्लॉग। पापा यहाँ पर देख रहे हैं खाना खाते खाते, और तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। और पापा देख रहे हैं यहाँ पर कपिल शर्मा शो, ठीक है ना। तो इस व्लॉग को यहीं एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग, अल्लाह हाफिज़।